चल रही इस कोरोना महामारी के दौरान मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा समाज सेवा का कार्य निरंतर किया जा रहा है। कोविड मरीजों के लिए खाना और दवा की किट जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में बताया गया कि जिन्हें भी इनकी आवश्यकता हो तो वह मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। वहीं मंच के द्वारा शमशान घाट में निःशुल्क लकड़ी का भी प्रबंध कराया गया है। इस महामारी के बीच कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में पत्रकार बंधुओं को भी इस महामारी के दौरान सुरक्षा को देखते हुए मंच के द्वारा सुरक्षा किट उपलब्ध कराया गया। इस कार्य में मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ता नीलकमल भरतिया, राकेश मोदी, दीपक शर्मा, बाके बिहारी शर्मा, सतीश केडिया, अमित पाचुका सहित कई कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर निरंतर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। युवा मंच ग्रीडी शाखा के द्वारा आज जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और N95 मास्क का हमने वितरण किया है। जितने भी पत्रकार जो दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, निरंतर सेवा दे रहे हैं, कोविड सेंटर जा रहे हैं, सदर अस्पताल जा रहे हैं, अपने जान पर खेल के जिस प्रकार वो अपने दायित्वों को निभा रहे हैं, इस तरह से हमने मारवाड़ी युवा मंच ने एक छोटा सा उनको सहयोग दिया है। और हम आशा करते हैं जिस तरह से उन लोगों को जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, चाहे वो मेडिसिन की आवश्यकता हो या किसी प्रकार की और भी आवश्यकता हो, मारवाड़ी युवा मंच निरंतर पत्रकार बंधुओं के लिए हमेशा खड़ा और हमेशा खड़ा रहेगा। और अभी निरंतर मारवाड़ी युवा मंच शमशान घाट में मुफ्त लकड़ी का वितरण कर चल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर का भी हम लोग का कार्य चल रहा है और वैक्सीनेशन का कार्य जो हम लोग का अभी जोर शोर से युवा भवन में चल रहा है। और हम आशा करते हैं अभी जो महामारी फैला हुआ है, जिस प्रकार से लोगों में भय फैला हुआ, मारवाड़ी युवा मंच के सभी सदस्य निरंतर अपनी सेवा पूरे गिरिडीह को देते रहेंगे। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो भी पत्रकार बंधु अगर भूलवश छूट गए हैं वो हमसे संपर्क करें, उनका किट मेरे पास में रखा हुआ है, वो हमारे पास से किट प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नंबर, मैंने कई पत्रकारों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा है, अगर और भी पत्रकार जो आपसे संपर्क हो उनसे आप मेरा नंबर दे सकते हैं। धन्यवाद।